हाय हेलो, वेलकम टू दिया क्रिश मॉम्स। तो मैं आज क्रिश को इवनिंग की मसाज करने वाली हूँ, जो कि कॉम्बिनेशन है। ये है ओलिव ऑयल और ये है कोकोनट ऑयल, दोनों का मिक्सअप करके इसको मालिश करेंगे। तो मैं, आप देख सकते हो यहाँ पे एक कटोरी में ऑलरेडी मिक्स कर ली हूँ दोनों को। आप चाहे तो इसको हल्का गुनगुना कर सकते हो। तो इसे मसाज करते हैं, पहले देखिए। हमेशा बच्चों को पाँव से शुरू करिए, क्योंकि ये चलना फिरना जब से सीख जाते हैं तब नहीं टिकते हैं एक जगह और मालिश के लिए बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। तो उसी के चलते हैं पाँव में इनको रिलैक्स लगता है। तो पहले फुट से ही शुरू करिए मसाज। आप धीरे 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 हमेशा स्ट्रॉन्ग मसाज ही बच्चे को चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे आप करते करते भी सीख लेंगे। जो नए मदर्स हैं उनको डर रहता है बच्चों को कैसे मसाज करना है, क्या करना है। और बच्चे भी बहुत, जब छोटे पे स्टार्ट करते हो न्यू बॉर्न बेबीज को, बहुत हल्का है, इस तरह जस्ट ऐसे ऐसे थपथपा के कर सकते हो। मगर अभी क्रिश बहुत नॉटी हो गया है और क्रिश बहुत भाग दौड़ करता है, तो उसी के चलते इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग मसाज देती हूँ। नहीं, और दो टाइम मसाज बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि इनका बोन्स के लिए और हेल्थ के लिए। बच्चे को मसाज करने से बच्चा ग्रो भी करता है। और डेली ही फ्रेंड्स बात भी कराइए, जैसे कि नहाना, बच्चों को डेली नहाना भी बहुत जरूरी है। आप मसाज करके हाफ एन आवर 1 आवर के बाद में सुबह में नहला दीजिए, ताकि बच्चे अच्छे से सो पाए। क्योंकि उसका स्किन अगर साफ रहेगा तो उसके हेल्थ में ग्रो आएगा। तो उसी के चलते हर दिन एक बार तो उसको बात जरूर करवाइए। अगर बुखार वैसा कुछ है तो आप स्पॉन्ज बाथ करा सकते हैं। बुखार नहीं है, बच्चा ठीक है, तो प्लीज उनको नहलाइए। देखिए उसको बिल्कुल ही हो रहा है। नाभी में पिछले वीडियो में बताई थी, आप नाभी में तेल हमेशा लगाइए। और ये हैंड्स का है। ओ, और फेस मसाज भी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। और आप देख सकते हो क्रिश फेस में दिखाता नहीं है, मगर ये देखिए ये वाला बैक का मसाज बहुत जरूरी है। आप देख सकते हो क्रिश, बच्चे अच्छे से इसे दिखाते हैं, क्योंकि इससे इसका बैक स्ट्रॉन्ग होगा और टमी भी साफ होगा। देखिए ये उठ के बैठ गया है। बैठो 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 बैठो। हाँ, वेरी गुड। अब ये चिड़चिड़ा हो गया। देखो बाबा, देखो, हाय बोलो फ्रेंड्स को। हाय हाय हाय, ये देखो यहाँ पे, हाय हाय हाय। ये देखिए, ये बहुत बदमाश नॉटी बच्चा है हमारा, बहुत ही नॉटी है मगर बहुत ही क्यूट है। ओके फ्रेंड्स, आप लोग भी बच्चों का इस तरह मसाज कर दीजिए और सर का भी इस तरह जस्ट इसको मसाज दे दीजिए, ताकि बच्चा रिलैक्सली अच्छे से सो जाए। और उसको कंपलसरी 1 टाइम तो नहला दीजिए सुबह और शाम के टाइम में। अभी तो सर्दी का मौसम है, मगर गर्मियों के मौसम में इवन स्पॉन्ज बाथ भी करा सकते हो। जैसे कि कपड़ा, कॉटन का कपड़ा लेके भिगा के उसको पोंछ दीजिए, ताकि उसको हल्का लगे। उसके बाद में पाउडर ये सब लगा लेके सुला दीजिए, बच्चा अच्छे से सो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, होप आप लोग को वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में। टिल देन, बाय, टेक केयर।